रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, क्या हाल चाल है आपका, कैसे हैं जी आप? हम उम्मीद करते हैं बिल्कुल सही होंगे, ठीक होंगे, और दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो आज मैं थोड़ा आहिस्ता बोल रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, आप सब ने मेरे लिए भी दुआ करनी है कि मुझे भी अल्लाह ताला जल्दी जल्दी सेहत तंदुरुस्ती दे। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि पिछली वीडियो में कि हम नवेरा के लिए अपॉइंटमेंट लेने जा रहे हैं दांतों के लिए, उसके दांतों को हमने तार डलवानी है, टाई में इसको प्रेक्लियो बोलते हैं, तो हम जा रहे हैं हॉस्पिटल दूसरे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम एक दूसरी हॉस्पिटल भी जाएंगे। तो अब मीनार साहब के हवाले करती हूँ, वो बोलते हैं, मुझसे ज़्यादा बोलने नहीं हो रहा मैं, फिर जब सांस निकलेगा फिर बोलूँगी जी। मीनार साहब अस्सलाम वालेकुम, व्यूअर क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत है? आप मुझे सबसे पहले बताएं कि सर्दी कैसी है आपके एरिया में? हमारे एरिया में तो जोरों शोरों से सर्दी शुरू हो गई है, और आप हमारे गाड़ी में बैठे हैं, अभी हीटर भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लिबास देख सकते हैं हमने कितना जो है ना वो जबरदस्त पहना हुआ है, क्योंकि बाहर अंदर जब आते जाते हैं ना गाड़ी में तो एकदम गर्म सर्द हो जाते हैं, तो इसलिए आपने आपको सेफ रखा हुआ है ताकि बीमारी से बचे, क्योंकि आपको पता फिर मेडिसिन के ऊपर बहुत स्पेन तो करनी पड़ती है, हल्दी स्पेन तो मतलब बहुत ज्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं, ये इटालियन में बोल गए, पहले एहतियात कर रहे हैं, क्योंकि प्यारे व्यूअर बच्चों के लिए जो मेडिसिन हम लेते थे ना, जो हम पहले मतलब एक बुखार का सिरप हम पहले लेते थे 6 एरो का, 6.5 एरो का, आप यकीन नहीं करेंगे 12 12.5 का हुआ है, और इसमें इतना सिरप होता है, 120 ml होता है, तो बच्चों को किसी को 13 ml देना होता है, किसी को मतलब एज के हिसाब से, तो वो बच्चों को कंटिन्यू अगर हफ्ता एक दें तो वो तो 3 दिन भी नहीं गुजरता कि बच्चों की जब तबीयत खराब होती है, तो इतनी ज्यादा मेडिसिन भी महंगी हुई है, सब शोर करते हैं महंगाई होगी महंगाई, हाय। तो व्यूअर बताएं फिर आपके यहाँ कैसी सर्दी है? हाँ। तो आप सर्दी से बचे, और आप ना ऐसा करें आप ना ऐसा करें मेरी पता नहीं कौन सी बात सी मेडिसिन के बीच में रहेगी, उसको छोड़ दें, अगली बात करते हैं। अगली बात ये है कि आप गाजर के हलवे खाएं, और जिंडे उबाल के चाय के साथ खाएं, चाय पकौड़े खाएं, मतलब इस तरह के लवाजमीन खाएं जो गर्माइश वाले हों, क्योंकि गर्म फूड इस्तेमाल करें, जैसे अखरोट हो गए, मूंगफली हो गई, पिस्ते हो गए, काजू हो गए, पाकिस्तान में तो काजू भी होते हैं ना, तो और पता नहीं एक चनगोजे कहना चाह रही थी, तो काजू कर रही हूँ, चिनगोजे भी आपको पता बहुत अच्छी चीज है गर्म है, तो यहाँ पर धुंध काफी पड़ी हुई है, तो शहर में तो थोड़ी महसूस कम होती है, लेकिन गांव के साइड पे निकल जाए ना जरा सड़कों के साइडों पर ज्यादा महसूस होती है। तो चलें जी, अब मैं ना आपको सच्ची बात बताऊं कि नाश्ता भी कोई नहीं किया, तो तबीयत भी ठीक नहीं है, आप देख रहे हैं, आपने लाहौर में भी बहुत धुंध देखी है, आप यहाँ आज इटली में भी देखे धुंध, हाँ जी ये सर्दी की वजह से है। अच्छा, जहाँ पे 9-10 का टाइम होता है मौसम बारिश वाला बना है ना, तो वो कह रहे थे बर्फ पहनी है, तो बर्फ तो नहीं आई है लेकिन ये धुंध आ गई है, हाँ जी, तो जहाँ 9-10 का टाइम होता है वहाँ पर धुंध जो है ना मुक जाती है, खत्म हो जाती है। तो चलें जी फिर दोबारा मिलती हूँ आपसे आगे जाके खूबसूरत व्यू के साथ, और थोड़ा सा मैं सांस ले लूँ। अच्छा जी, बात ये है कि सारी धुंध फोक जो है ना नीचे आने लग गई, अब ना सूरज निकलने वाला है, तो मुझे बात याद आई कि मैंने पिछली वीडियो जो आपके साथ शेयर की है उसमें मैंने मेडिसिन भी खाई थी, मुझे समझ ही नहीं आई, अक्सर मेरे साथ अब ऐसा ही होता है, पता नहीं या तो मेरा फोन खराब हो गया है या फिर मेरी याददाश्त खराब हो गई है, या फिर ऐसे होता है कि मैं अपनी तरह से वीडियो बनाती रहती हूँ, फोन बंद रहता है तो वीडियो बनती नहीं, वो कितनी सारी वीडियो जो है ना वो है ही नहीं थी फोन में जब ढूंढी, तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, खैर अब ऐसे भी जुबानी कलाम भी बता देते भाई हमने वीडियो बनाई थी, तो वीडियो बनी कोई नहीं है। तो अभी हमने और कितनी देर लगनी है हॉस्पिटल पहुंचने में? और मतलब 20 मिनट लगेंगे ट्रैफिक में। हाँ ट्रैफिक है, वो धुंध पड़ी है ना धुंध की वजह से, और सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, सब लोग काम पे जाते आते हैं, तो थोड़ा रश होता है, इस वजह से ना हमें थोड़ी देर भी लग रही है जाने में, और धुंध की वजह से ना आराम आराम से सब जा रहे हैं, फासला रख के गाड़ी में, आप देखें खुद कि कितना कितना फासला है ना गाड़ी के, एक गाड़ी की दूसरी गाड़ी में, अभी यहाँ पर इशारा आ गया और फिर यहाँ पर भी रुकाना है क्योंकि इशारे भी काफी आ जाते हैं। तो यहाँ पर जी एक वो दे रहे हैं सोफे का एड, मीनार साहब रन गड्डी अगे आ गई है, वरना मैं तो वहां दी तो खरीदना होता तो खरीद लेते, मोस्ट वेलकम है। अच्छा जी, यहाँ पर बड़ा खूबसूरत सा व्यू है, तो मैंने कहा ये आपको दिखा दूं, मिस ना हो जाए, आपने देखना है, मिस नहीं करना है, क्योंकि खूबसूरत व्यू कभी कभी मिलते हैं, तो ये देखें अपने शहर के अंदर ना इस तरह की टाइलों वाली सड़कें होती हैं, या छोटे छोटे पत्थर उन्होंने बना के ना पत्थरों से बनाई होती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं, हर जगह यूरोप के तकरीबन जितने भी सेंटर होता है ना शहर का, उसके अंदर इस तरह की है, बड़ी खूबसूरत वो जो होता है ना शहर का दिल, उसके अंदर इस तरह की सड़कें बनाई होती है की जैसे बचपन में झूले लेते थे इस तरह झूले आते हैं, इसमें बहुत अच्छा लगता है, यकीन जाने बड़ा ही खूबसूरत है ये एक ना छोटा सा रास्ता। ठीक है जी, अभी फिर चलते हैं आगे हॉस्पिटल।
यहाँ पर जी हम हॉस्पिटल के पास पास पहुँच गए हैं, तो जैसे ही देखे हम बच्चों को स्कूल छोड़ के, यहाँ पर बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं, अभी यहाँ पर जाके तो आगे हॉस्पिटल है, तो लग ही नहीं रहा कि इस जगह पे हॉस्पिटल, ऐसे लग रहा है घरों के अंदर ही हम आ गए हैं। ठीक है जी, यहाँ पर देखें जी ये है देस्तरा, यानी के सीधी साइड से इधर हॉस्पिटल है, तो इटालियन में देस्तरा बोलते हैं, तो इंग्लिश में राइट बोलते हैं। ठीक है जी, चले पहुँचते हैं हॉस्पिटल, फिर आपको हॉस्पिटल दिखाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा गुड लक के हमें आते ही पार्किंग मिल गई है, तो ये देखें आपको व्हीलचेयर का निशान बना हुआ नजर आ रहा है ना, ये सारी गाड़ियों के नीचे, ये स्पेशल पर्सन है जिनके पास व्हीलचेयर इस्तेमाल करते हैं ना, उनके लिए है ये, तो उनके अलावा यहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं खड़ी करता, तो हम लोग जो है ना ये इस तरफ गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। तो ये देखें धुंध अभी भी माशाल्लाह काफ़ी सारी पड़ी हुई है, तो इस तरफ भी पार्किंग है और यहाँ पर ऊपर भी पार्किंग है, और नीचे ये देखे स्टाला भी लगाया हुआ है उन्होंने ना, आपने पाकिस्तान के स्टाले देखे, अब यहाँ पर हमारा इटली का भी देख ले हैं, प्यारा सा घास स्टाले। तो चलें जी, मिनास साहब आ गए, अब हम चलते हैं हॉस्पिटल। ये आ गया मिनास साहब, बैग में मैं समझी आपने बैग में डाला, ये देखा आपने मिनास साहब कैसे पैक हुए हैं, गर्म टोपी, स्कार्फ, जैकेट, शूज, मोटा पजामा। चलो अब चलते हैं हॉस्पिटल। यहाँ पर जी ये है हॉस्पिटल, यहाँ सीढ़ियाँ भी लगी हैं रेलिंग वाली, वो मेरे ख्याल आगे है कुप, तो यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर साइन बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तो अभी देखते हैं कि हमने किस तरफ जाना है, क्योंकि जो हॉस्पिटल नया फिर उसका आपको पता नहीं होता, इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर अब इस तरफ भी दरवाज़ा है, इस तरफ भी है जी, हमने भी ना पौड़ियाँ तो चढ़ के जाना, जो बिजली वाले हैं सीढ़ियाँ हैं ना इनके ऊपर चढ़ के जाना, यहाँ से ऊपर है जी जहाँ से हमने अपॉइंटमेंट लेनी है, हमें ना साहब उन्होंने बहुत ही जल्दी है, इस सीढ़ियों के ऊपर भी ऊपर चल चल के जा रहे हैं नाल, भला बिजली वाली पौड़ियाँ ने सानू की जरूरत पी उपर जाने, आराम ना सीढ़ियों तो ही जाने हैं। खैर वैसे ये तो हंस रही हूँ, अगर जल्दी हो तो सीढ़ियों से बंदा जल्दी जल्दी जाने की कोशिश करता है, तो खैर इन्होंने बहुत खड़ी रखी है सीढ़ी। हाँ जी, बहुत इन्होंने खड़ी सीढ़ी रखी है, आराम आराम से जाए बंदा, देस तरह जी ठीक है, कहते हैं वापस आते हैं आपको काफे पिलाते हैं, आपको नहीं पता मेरी कितनी तबीयत खराब है, फिर काफे पिला के मारना जे मेनू, एक ही तड़ी अकलौती बीवी है दूध वाली। अच्छा वो दरअसल ना मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, डिस्टर्बिंग हुई थी, मैं दो दिन तक तीन दिन तक बहुत ज्यादा तबीयत खराब रही है, यहाँ तक कि मैं एक दिन पूरा हॉस्पिटल भी गुजार के आई, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत कुछ बेहतर है, तो यहाँ पर हम आ गए कुप में, तब यहाँ पर लेते हैं अपॉइंटमेंट। नंबर कहाँ से निकालना है, यहाँ से नंबर निकालना है, ये मशीन है नंबर निकालने वाली हॉस्पिटल का, आप देखें अपॉइंटमेंट लेने वाली जगह इतनी खूबसूरत प्यारी सी, लगता ही नहीं कि ये हॉस्पिटल। अच्छा यहाँ पर देखें हॉस्पिटल का निज़ाम कितना साफ सुथरा प्यारा है, पीछे मैं वापसी पे आके आपको दिखाती हूँ, वहाँ पर ना ब्लड वगैरह दे रहे हैं, तो एज ए हेल्प के तौर पर भी देते हैं जो लोग ना, ये देखें जी ये हम आ गए, ये रही लिफ्ट, माशाल्लाह लिफ्ट देखें कितनी बड़ी है अंदर, मैं आपको पूरी दिखाती हूँ, ये देखें हमने जाना 6 नंबर पे, दांतों वाला जिस जहाँ से हमने अपॉइंटमेंट लेनी है ना वो इस तरफ, इन्होंने हमें बताया कि इधर को जाओ। लें जी हम आ गए, एक मेरे ख्याल मिनट लगा है हमें 6 नंबर पे लाकर, उन्होंने कहा पड़ा जाओ नसो, अब मेरे ख्याल इस तरफ से हमने अपॉइंटमेंट लेनी है, ये देखें कितना खूबसूरत साफ सुथरा हॉस्पिटल है, चलें आगे, मेरे ख्याल शायद वीडियो ना बनाने दें, अच्छा नहीं लगता हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर डस्टबिन इन्होंने रखी हुई है, तो चले चलते हैं आगे। अच्छा यहाँ पर ये हॉस्पिटल है, और थोड़ा सा मैंने कहा इस तरफ बैठ के वेट करते हैं, तो ये देखे इन्होंने प्लांट सजाया हुआ है, मैंने कहा थोड़ा सा आपको ये दिखाऊं, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, नीचे भी उन्होंने एक प्लांट बनाया हुआ था, अभी नीचे जाती तो वो भी आपको दिखाती है, तो साथ उन्होंने देखे गिफ्ट पैक भी बना के रखे हुए हैं, ठीक है ना, ये देखें। अच्छा जी हम लोग आ गए, अच्छा जी हम आ गए हैं वापस, उन्होंने पता कितने पैसे सानू दसे हैं, मेरा देख दांत वास्ते लगाने वास्ते तार, तुहानू दसा तुसी उह झूठ बोलदे पे, उन्होंने कहा जी 4000 शुरू हुंदा है, ते फिर 5000 6000 इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उपर जांदे ने, तुम मिनास साहब रिकी आंदे हो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखा हमारे हॉस्पिटल कितने साफ है, यहाँ यकीन करे आप हॉस्पिटल में आए आपको मेडिसिन की स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी, आपको यही पता चलेगा हम किसी 4 स्टार या 5 स्टार होटल में। ये बात इनकी बिल्कुल सही है, मैं इनके साथ एग्री करती हूँ, क्योंकि जब मैं बच्चों की डिलीवरी की दफा हॉस्पिटल जाती थी, तो नवेरा की दफा ना मेरे दोनों सिजेरियन से हुए थे बच्चे ना,
تو انہوں نے مجھے پورا ہفتہ رکھا. وہ اس کی دفعہ تین دن میں گھر بھیج دیا. میں بدتمیز نہ ہوں ایڈی جلدی گھر بھیجتا نے تین دنوں کے تیسرے دن میں گھر بھیجتا. میں کہا تو غلط تھا تے نا سانو کم سے کم. میں کہا جس طرح میرا دفعہ ہفتہ رکھا سی انجرا دے میں تھوڑا دن سکون نہ اتنے رہی اتنے میری اما بھی کون سی آسمان والی یہ گل ہے. تو واقعی یقین جانو کہ دن چ تین تین دفعہ باتھ روم صاف کر دیں بہت ہی سینری پہاڑی جی سینری لگائی جی پہاڑ انہوں نے بہائے نے دیکھو کنڈے پیارے نے ٹھیک ہے جی بہت سونے لگن ڈے ساری دیوار کے اوپر انہیں پہاڑ لائے نے ویکھو یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی کہنا سارا پہاڑ میرا ہی ہے بہت سونے لگے نہ صاحب تو خوش ہو گئے تو روح خوش ہوگی پہاڑا چاہ کے. اچھا جی وہ بات میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یقین جانے ہاسپٹل کا اتنا صاف ستھرا ماحول ہے لیکن یہ ہے کہ ہاسپٹل تو آپ کو پتا ہاسپٹل ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو ہاسپٹل نہ لے کے جائے سب کو صحت تندرستی دے لیکن صفائی ستھرائی کے لحاظ سے اسمیل کے حساب سے کہہ رہی تھی کہ بہت صاف ستھرے ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہے جی. یہاں پر جی ہاسپٹل میں جیسے آگے آ رہا ہے دسمبر چل رہا ہے ان کا آ رہی ہے عید تو انہوں نے دیکھا کتنا خوبصورت پلانٹ سجا کے رکھا ہے. میں نے کہا آپ کو دکھاؤں اور دیکھیں کتنی روشنی اور لائٹیں اور سب سے لاسٹ میں اس کو جا کے جی ٹوپی بنائی ہوئی انہوں نے ہیں دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے. تو اس طرف سے تھوڑا سا آپ کو وزٹ کرواتی ہوں. یہ دیکھیں کتنی پیاری خوبصورت چھت ہے ان کی نا ٹھیک ہے جی. اچھا یہاں سے ہم اوپر آئے تھے نا سیڑھیاں جڑی سن دوسری ریلنگ والی ہوں مینار صاحب کہتے ہیں بیگم صاحبہ ادھر نہیں جانا نیچے. تو یہاں پر دیکھیں یہ ہے جی بار جو آپ کو کہہ رہے تھے. دیکھیں بار کو انہوں نے کیسے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے. تو یہاں پر یہ دیکھیں لوگ ناشتہ کر رہے ہیں تو ہم لوگ ابھی نیچے جاتے ہیں. میں نے کہا اوپر سے آپ کو خوبصورت سا ویو دکھاؤں. تو یہ رہی سیڑھیاں جہاں سے ہم اترنے لگے نیچے. تو یہاں سے میں آپ کو بڑا خوبصورت سا ویو دکھاتی ہوں اوپر سے نا. یہ دیکھیں باہر کے پلانٹ وغیرہ سب کچھ نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. جس بھی ایریے میں چلے جائیں نا ہاسپٹل کے یعنی کہ بار میں چلے جائیں ناشتے کے لیے یا کوئی اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے تو لگتا ہی نہیں کہ یہ ہاسپٹل ہے ہم ہاسپٹل میں آئے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے ہم نا مطلب باہر پہ ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کسی ریسٹورنٹ وغیرہ پہ آئے ہوئے ہیں. تو ہاسپٹل کے ایریے میں جائیں تو پھر وہ ہاسپٹل ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں تو کافی شافی پینا نہیں چاہتی ہوں. تو آپ نے ناشتہ کرنا ہے نہیں ابھی تو ہم نے گھر چلے جانا ہے. تو ویسے بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں نہیں چاہتی ہوں گرم چیز کوئی کھاؤں. یہ لکھا ہے اشیتا یہاں سے باہر نکلنا ہے تو پھر پیٹ ڈسٹرب پہلے ہی ہوا ہے تو ایسا نہ ہو مزید اور ہو جائے تو پھر طبیعت گڑبڑ ہو. تو احتیاط جو ہے نا وہ بہتر ہے سب سے. چلے آ جائیں. وہاں سے ہم سیڑھیوں سے چڑھ کے گئے تھے تو یہاں سے ہم نا اب پھر ریلنگ والی سیڑھیاں جو ان سے آ رہے ہیں یقین جانو بڑا ہی اچھا لگتا جی. میں کہا مینار صاحب تم دکھاوا اتوں کیسے لگتے پے نے سونے لگن دے نے. ایسا نہ ہو مینار صاحب نے وہاں دے ہاں میں اتنے ڈگ جا ویکیا میں ٹائم نہیں ویک لیا نیچے اتر گئی ہیں. یہاں پر آ گئے ہم باہر. یہ دیکھے دھند کتنی ساری ہو گئی ہے ختم کیونکہ ابھی نا دھوپ نکلنے لگی ہے. تو یہاں پر مینار صاحب آ گئے ہیں. مینار صاحب نے کہا چلے اب چلے ہماری گاڑی ادھر ہے گاڑی ادھر ہے. اچھا ہماری گاڑی ادھر ہے. یہاں پر دیکھیں ایمرجنسی کے لیے ایمبولینسیں بھی کھڑی ہیں. چلو چلتے ہیں اپنی گاڑی کی طرف. تو چلیں جی ہم انہیں خوبصورت پیارے پیارے ویو کے ساتھ آپ سے چاہتے ہیں اجازت. اور آپ نے دعا کرنی ہے کہ ہمیں کوئی سستا سا نا نویرا کے دانتوں کے لیے ڈاکٹر مل جائے جو مناسب سے پیسوں میں اس کی تار لگا دے. ورنہ پھر ہم آئیں گے پاکستان اور پھر آپ ہمیں کھلائیں گے دعوتیں اور ساتھ ہم پاکستان سے نویرے کے دانتوں کو لگائیں گے تار. تو پھر ہم آ جائیں گے آپ بہن بھراؤں سے سب سے مل کے واپس گھر ٹھیک ہے جی. چلیں جی پھر ملتے ہیں. تب تک کے لیے مینار صاحب اللہ حافظ جی. ساڈے علم اللہ حافظ بہن بھراؤ.